हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक और कमाल की कोरियन डेथ गेम मूवी को, जिसका नाम है डेथ बेल। इसे रिलीज किया गया था 2008 में। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक खाली क्लासरूम से होती है, जिसमें हम ईना नाम की एक लड़की को देखते हैं। ईना को इस क्लास में एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसे ईना जीवोन कहकर बुलाती है, और फिर ढेर सारे घोस्ट ईना का पीछा करने लगते हैं। असल में ईना एक डरावना सपना देख रही थी और वो जाग जाती है। आज इनके हाई स्कूल का आखिरी एग्जाम था। स्कूल में हम इनके कोरियन टीचर चेंग को देखते हैं, जो उन टीचर्स में से है जो कहते हैं कि चीटिंग कर लो लेकिन आवाज मत करना। इनकी इंग्लिश टीचर चोई, जो कि काफी स्ट्रिक्ट है, और एक आलसी पीटी टीचर ली। थोड़ी देर में इन सभी बच्चों का एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम के बीच बियोम नाम के एक लड़के को कमरे में कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती है, और फिर उसके टेस्ट पेपर में एक डरावना चेहरा भी अपीयर होता है। ये देखकर बियोम गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। टीचर चेंग उसका पेपर चेक करता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो बियोम की कलाई पर कुछ खरोच के निशान भी देखता है, और बियोम डरते हुए कहता है कि ये उसी आत्मा ने किया है। कुछ देर बाद एग्जाम खत्म होने की बेल बजती है, लेकिन घंटी की जगह इस बार पूरे स्कूल में एक फनी सॉन्ग बजने लगता है, जिसे सुनकर बच्चों के साथ टीचर्स भी हंसने लगते हैं। असल में ये मस्ती एक शरारती लड़के केंग ने की थी, जिसे इसके लिए पीटी टीचर से डांट भी पड़ती है। केंग ईना को काफी लाइक भी करता है, लेकिन ईना की बेस्ट फ्रेंड मियोंग केंग को लाइक करती है। एग्जाम के बाद प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताता है कि हर साल की तरह इस साल भी जो भी 20 बच्चे एग्जाम में टॉप करेंगे, उनको छुट्टियों के दौरान एक स्पेशल क्लास लगवाई जाएगी, जिनमें उन्हें कॉलेज एग्जाम के लिए रेडी किया जाएगा। अगले दिन रिजल्ट आते हैं, और जिन 20 बच्चों ने टॉप किया था उनके नाम स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। मीनियो नाम की एक लड़की नंबर 1 पर थी, और इसी दौरान बियोम को आज फिर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं, और उसे ईना के पीछे उसी लड़की का भूत दिखाई देता है। बियोम घबरा जाता है और ईना पर ही अटैक कर देता है। सबको लगता है बियोम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो टीचर्स उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। जाने से पहले बियोम चिल्लाकर सभी को चेतावनी देता है कि वो सब मरने वाले हैं। उस रात को ईना और मियोंग केंग के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाती हैं। वो दोनों यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर किम से छुपकर बाहर निकलते हैं। इधर इस गार्ड को बिल्डिंग के पास वही लड़का बियोम दिखाई देता है, जो कि हॉस्पिटल से भाग आया था। बियोम के हाथ में खून लगा हुआ था, और इसके पास हम एक लड़की की लाश भी देखते हैं, जो शायद बियोम का एक और भ्रम होगा। और बियोम गार्ड को देखकर यहां से भाग जाता है। अगले दिन से स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है। आज के दिन स्कूल में 40 बच्चे जिन्होंने टॉप किया था, 3 टीचर्स और एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। टीचर चेक नोटिस करता है कि रैंक 1 वाली लड़की मीनियो अभी तक स्कूल नहीं आई है। खैर, रोज की तरह डोंग नाम का एक लड़का सभी बच्चों के मोबाइल एक बैग में डालकर ऑफिस में रखने जाता है, लेकिन रास्ते में ही बाथरूम से कोई डोंग का नाम पुकार रहा था। डोंग जब उसके अंदर जाता है तो कोई अनजान ताकत उसका पैर पकड़कर उससे अंदर खींचने लगती है, और कुछ ही देर में डोंग और उन सभी सेलफोन्स को उस बाथरूम की सीलिंग में खींच लिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक बेल बजती है और टीवी पर एक लाइव वीडियो स्ट्रीम होने लगती है। इसमें हम एक लड़की को एक ग्लास कंटेनर के अंदर बंद देखते हैं, और इस कंटेनर के ऊपर किसी तरह की इक्वेशन भी लिखी हुई थी। ये वही रैंक 1 वाली लड़की मीनियो है, जो कि मिसिंग थी। मीनियो डर के मारे चिल्ला रही थी। इंग्लिश टीचर तुरंत ईना को बाकी टीचर्स के पास भेजती है। वो मदद के लिए पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फोन लाइन काट दी गई थी, और यहाँ इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था। फिर सभी को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि ये सभी लोग अब एक डेथ गेम का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें इनसे कुछ आसान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर ये लोग समय रहते उसका जवाब नहीं खोज पाए तो इनमें से एक स्टूडेंट की मौत हो जाएगी। इस गेम का एक रूल और है कि अगर कोई भी स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। इसके बाद उस ग्लास कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इनका पहला क्वेश्चन ग्लास के ऊपर बनी इक्वेशन है। अगर ये टाइम पर उसे सॉल्व नहीं करेंगे तो पानी में डूबने से मीनियो की मौत हो जाएगी। सब लोग ये सुनकर पैनिक करने लगते हैं। पीटी टीचर कंट्रोल रूम में जाकर पावर कट कर देता है, लेकिन टीवी फिर से ऑन हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये भी केंग का ही कोई मजाक होगा, तो वो जाकर उसे पीटने लगता है, लेकिन केंग बोलता है कि ये सब उसने नहीं किया है।
और इन सब चीजों में ही इनका टाइम खत्म हो जाता है और मीनियों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। टीचर चेंग को पता चलता है कि डोंग सबका मोबाइल रखने गया था और वो भी मिसिंग है। अब पीटी टीचर कहता है कि वो पुलिस को बुलाने के लिए स्कूल से बाहर जा रहा है, ये जानते हुए भी कि किलर ने किसी को भी बाहर जाने से मना किया है और इसमें खतरा है। अब सभी बच्चे भी बुरी तरह डर गए थे और बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। टीचर्स के मना करने पर भी सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग भाग पाए उन्हें पीटी टीचर बाहर से आते हुए दिखाई देता है। इस टीचर को किसी ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मरने से पहले ये टीचर भीड़ में किसी की तरफ इशारा करता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। हम ये भी देख पाते हैं कि बियोम अभी तक इसी स्कूल में छुपा हुआ है। अब सबको समझ आ गया था कि वो स्कूल के बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद दूसरी बेल बजती है और सभी को उस मिसिंग लड़के डोंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। किलर डोंग को टॉर्चर करते हुए उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए है, जिस पर डोंग बताता है कि उसकी मदर लालची है, शायद इसी पाप के लिए वो यहाँ है। अब किलर सभी को ऑडिटोरियम में जाने को बोलता है। वहाँ रखे हुए ढेर सारे चाइनीज शब्दों में इन्हें एक सेंटेंस बनाने को बोला जाता है जो कि लालच और सिन से जुड़ा हुआ हो। सभी लोग इस पजल को सुलझाने में लग जाते हैं। वहीं इधर डोंग को एक पिंजरे में बंद किया हुआ था और उसके ऊपर ढेर सारी मोमबत्ती रखी हुई थी, जिनका मोम पिघल पिघल कर डोंग के शरीर पर ही गिर रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ा सोचने पर टीचर चेंग और ईना को इस पहेली का जवाब मिल जाता है, जो था बी सेटिस्फाइड एंड स्टॉप देन नो डेंजर अबेट्स। लेकिन ये वर्ड्स ढूंढने में ही समय खत्म हो जाता है और डोंग की बॉडी सीलिंग से यहाँ आकर गिरती है, जिसके ऊपर जवाब लिखा हुआ था। इंग्लिश टीचर को पता चलता है कि जाबू नाम का एक लड़का भी अब लापता हो गया है, मतलब अब उसका नंबर है। ईना को इन किलिंग्स का पैटर्न समझ आ जाता है। किलर स्टूडेंट्स को उनकी रैंकिंग के हिसाब से मार रहा है। मीनियो की रैंक फर्स्ट थी, डोंग सेकंड आया था और जाबू जो कि मिसिंग है वो थर्ड आया था। चौथे नंबर पर ईना की बेस्ट फ्रेंड मियोंग है और पांचवें नंबर पर ईना खुद है। इधर ऑडिटोरियम में कुछ बच्चों को लगता है कि एक एक करके वो सभी मारे जाएंगे, तो वो सब एक कमरे में जाकर छुपने का प्लान बनाते हैं और डर के मारे मियोंग भी उनके साथ एक गर्ल्स रूम में जाकर छुप जाती है और ये डोर को अंदर से लॉक कर लेते हैं। टीचर्स को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, लापता बच्चों को खोजने के लिए और इस डेथ गेम से बचने का कोई तरीका ढूंढने के लिए। इंग्लिश टीचर एक अनजान आदमी पर अटैक करती है, लेकिन ये बस इनका सिक्योरिटी गार्ड था जो कि फोन लाइंस को चालू करने की कोशिश कर रहा था। वहीं इन सब के बीच बियोम पागलों की तरह पूरे स्कूल में घूम रहा था। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कुछ घंटों में रात हो जाती है। जिस कमरे में वो स्टूडेंट्स छुपे हुए थे उसका दरवाजा कोई जोरों से पीटने लगता है और उसमें एक छेद भी कर देता है। एक लड़का हिम्मत करके दरवाजे के पास जाता है तो किलर उसकी गर्दन पकड़कर उसे ही बाहर खींच लेता है। इंग्लिश टीचर वाले ग्रुप को इस कमरे की लाइट ऑन दिखती है और वो समझ जाते हैं कि बच्चे यहीं पर छुपे होंगे। वो सभी उन्हें लेने हॉस्टल में आते हैं, जहां चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इन सब के बीच हम उसी लड़की की आत्मा को भी देखते हैं और ईना को अपनी बेस्ट फ्रेंड एक कोने में छुपी हुई मिलती है। इधर टीचर चेंग वाले ग्रुप को चौथी डेथ बेल सुनाई देती है। इनके सामने कुछ लेटर्स और नंबर्स थे, जिनकी मदद से इन्हें एक सेंटेंस बनाना है जो कि कंप्यूटर का पासवर्ड होगा, नहीं तो चौथा टॉप स्टूडेंट्स जाबूक मारा जाएगा। इधर इंग्लिश टीचर को पता चलता है कि मियोंग नहीं मिली तो किलर 10वें रैंक के टॉपर को ही उठा ले गया है। दूसरी तरफ टीचर चेंग और बाकी के स्टूडेंट्स काफी सोचने के बाद पासवर्ड का पता लगा लेते हैं, जो था वार्म स्प्रिंग डे रिमेम्बर द ऑडिटोरियम। लेकिन इस बार भी इन्होंने देर कर दी थी। कंप्यूटर में इन्हें जाबू की लाश के साथ एक भूतिया औरत भी दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी डर के भागते हैं और दोनों ग्रुप्स मिल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग कैफेटेरिया में जाकर पेट पूजा करते हैं। ईना नोटिस करती है कि इन सभी सवालों के आंसर्स में कोई कहानी छुपी हुई है और उसे अपनी एक सीनियर क्लासमेट जी वोन की याद आती है, जो कि 2 साल पहले मर चुकी है। जीवन एक काफी स्मार्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी। जीवन ईना की भी बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा उसकी पढ़ाई में मदद किया करती थी। जीवन फाइनल एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी ताकि उसे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिलती रहे, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही गरीब हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम में जीवन को पता चलता है कि वो 6वें नंबर पर आई है, मतलब उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और शायद इसीलिए जीवन ने ओवरडोज से खुद की जान ले ली थी।
ईना को लगता है कि ये सब जी वोन की आत्मा ही कर रही है अपना बदला लेने के लिए। लेकिन टीचर चेंग गुस्से में कहता है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता और ये सब कोई सनकी इंसान ही कर रहा है। इधर किलर अपने अगले शिकार गोजिन को टॉर्चर कर रहा होता है। इसके बाद वो उस लड़की को छत से लटकाकर चौथी डेथ बेल बजाता है, जिसे सुनकर इंग्लिश टीचर केंग और ईना को लेकर क्लासरूम में जाती है, जहां इन्हें अगला पजल मिलता है। इसमें भी कुछ वर्ड्स को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना था। वहीं टीचर चेंग खुद से वो कमरा ढूंढने निकलता है जहां से किलर ये सब कर रहा था। कुछ देर बाद एक भूतिया औरत उस पर अटैक करती है और वो किसी तरह अपने आप को बचाता है। इधर एक बार फिर ये लोग पहेली को सुलझाने में देर कर देते हैं और किलर गोजिन को एक वॉशिंग मशीन में डालकर उसे धो देता है, मतलब मार देता है। पहेली का आंसर था कि मैं जानती हूँ मुझे किसने मारा है, अब उसका परिणाम भुगतो और सच का सामना करो। और इन चारों को गोजिन की लाश लॉन्ड्री रूम में मिलती है। अब इंग्लिश टीचर को भी यकीन होने लगा था कि ये सब काम जीवोन की आत्मा कर रही है। ईना भागकर अपनी फ्रेंड मियोंग के पास जाती है, लेकिन उसे भी जीवोन का भूत दिखाई देता है और मियोंग ऑलरेडी किडनैप हो गई थी। अब कोई रास्ता ढूंढने के लिए दोनों टीचर्स केंग और ईना कंट्रोल रूम में जाते हैं। यहाँ केंग को एक अननोन केबल दिखाई देती है। उसे लगता है कि किलर इसी केबल के जरिए ये सब कंट्रोल कर रहा है, तो वो चारों उस केबल को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में इन्हें बियोम छुपा हुआ मिलता है, जो कि पागलों की तरह ईना को मारने दौड़ता है। केंग ईना को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बियोम केंग को ही स्टेप कर मार देता है। इससे टीचर चेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पत्थर से मार मार कर बियोम का सर फोड़ देता है और उसकी जान ले लेता है। टीचर चेंग को लग रहा था कि बियोम ही किलर है, लेकिन फिर इन्हें पांच भी डेथ बेल सुनाई देती है और केबल का पीछा करते हुए ये सभी एक बेसमेंट में पहुंचते हैं, जिस पर लोहे का डोर लगा हुआ था और उस डोर पर ही एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ था। और इसी बेसमेंट में उन सभी स्टूडेंट्स को मारा गया है और अब ईना की दोस्त मियोंग को भी इसके अंदर ही उल्टा लटकाया गया है। कमरे में गैसोलीन भी फैला हुआ है, अगर इन्होंने टाइम पर डोर ओपन नहीं किया तो मियोंग जलकर मारी जाएगी। इंग्लिश टीचर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेती है और आंसर जी वोन का रोल नंबर था, जिसे एंटर करने से डोर ओपन हो जाता है और ये मियोंग तक पहुंच जाते हैं। टीचर्स मियोंग के पैर की रस्सी काटने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक ही मियोंग को और ज्यादा ऊपर खींच लिया जाता है। छत के ऊपर इन्हें किलर भी दिखाई देती है, जो कि वही भूतिया औरत थी। इंग्लिश टीचर उससे रिक्वेस्ट करती है कि इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन्हें जाने दो, लेकिन वो औरत मियोंग को वहीं से नीचे गिरा देती है, जिससे मियोंग मारी जाती है। टीचर चेंग उस औरत का पीछा कर छत पर जाता है, जहां उन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन टीचर चेंग किसी तरह उस औरत को मार देता है और हमें पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि जी वोन की मदर थी, जो शायद अपनी बेटी का मौत का बदला इन बच्चों को मारकर ले रही थी। कुछ दिन बाद जो भी स्टूडेंट्स मारे गए हैं उनके लिए स्कूल में एक मेमोरियल रखा जाता है। यहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे और फूट फूट कर रो रहे थे। इना इसी समय स्कूल की छत पर जाती है और उसे वहाँ जी वोन की एक डायरी में उसकी फैमिली फोटो मिलती है और तभी इना को भी किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद एक आखिरी डेथ बेल बजती है और सभी को एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। ये आदमी जी वोन का फादर था और ये चाहता था कि सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को वैसा ही फील हो जैसा उसे अपनी बेटी की मौत पर हुआ था। इसने पूरे स्कूल में एलपीजी गैस भी लीक कर दी थी। ये बोलता है कि जिसने भी उसकी बेटी जीवोन को मारा था वो सामने आकर खुद कबूल कर ले, नहीं तो वो पूरे स्कूल को जला देगा और ईना को भी मार देगा। इसके बाद सभी को एक वीडियो फुटेज भी दिखाई जाती है, जिसमें सबको पता चलता है कि जीवोन ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि किसी आदमी ने उसका मर्डर किया था, लेकिन वीडियो में उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। अब हमें पूरी कहानी बताई जाती है। रिजल्ट्स आने के कुछ दिन बाद जीवोन को पता चलता है कि उसके एक टीचर ने कुछ अमीर बच्चों के पेरेंट्स से पैसे खाए थे और पहले ही उन्हें पेपर के सभी आंसर्स बता दिए थे, जिस वजह से उन सबके बच्चों ने टॉप किया और जीवोन की रैंक गिर गई। ये घूसखोर टीचर और कोई नहीं बल्कि टीचर चेंग ही था। जीवोन ने टीचर चेंग से कहा कि वो उसकी रैंक बढ़ा दे ताकि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन टीचर चेंग के मना करने पर जीवोन ने उसकी कंप्लेंट करने की धमकी दी थी, जिससे उसकी नौकरी चली जाएगी। ये सब ना हो इसके लिए टीचर चेंग ने जीवोन का गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। इसी दौरान बियोम ने भी ये सब कुछ देख लिया था
लेकिन उसने जीवन की कोई मदद नहीं की और आज तक चुप रहा। मरने से पहले जीवन ने अपना सेलफोन नीचे फेंक दिया था, जिसमें ये रिकॉर्ड हो गया कि उसे किसी ने मारा था। इधर जिन सब पेरेंट्स के बच्चे मरे थे, उन सब ने टीचर चेंग को रिश्वत दी थी, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ किसकी बात हो रही है। टीचर चेंग की पोल खुल गई थी, तो वो एक कुल्हाड़ी उठाकर सभी को उससे दूर रहने को बोलता है। वो उन पेरेंट्स पर ही इल्जाम लगाता है कि उनके कारण ही ये सब हुआ है। वो सब लालची थे जो चाहते थे कि उनके बच्चे बिना मेहनत के ही टॉप करें। तभी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आकर टीचर चेंग को शांत करता है और फिर उसमें एक चाकू घुसा देता है। सभी लोग ये देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और असल में सिक्योरिटी गार्ड ही जीवोन का फादर है, जो उस कुलाड़ी से टीचर चेंग को कई बार स्टेप कर मार देता है। इधर इंग्लिश टीचर जाकर ईना को छुड़ा लेती है। आखिर में हमें बताया जाता है कि जीवोन की फैमिली कितनी खुश थी, लेकिन जीवोन के मर्डर के बाद उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। कर्जे वाले भी इनके पीछे पड़ गए थे, तो जीवोन के फादर ने उस कर्जे वाले को ही मार डाला और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेंगे। जीवोन का फादर सिक्योरिटी गार्ड बनकर इस स्कूल में घुस आया और आज जो कुछ भी हुआ वो जीवोन के फादर और मदर ने ही किया है। पीटी टीचर मरते हुए गार्ड की तरफ ही इशारा कर रहा था और इन दोनों ने बच्चों को इसीलिए मारा ताकि उनके पेरेंट्स भी वैसा ही फील करें जैसा इन्होंने किया था। अब बात करें जीवोन के भूत की, तो हाँ, ईना के अंदर हम जीवोन की आत्मा देख सकते हैं। वो इस पूरे समय बियोम से बदला ले रही थी, जो उसे मरते हुए देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बियोम को ईना के अंदर जीवोन का घोष्ट नजर आ रहा था और इसीलिए वो पागलों की तरह बार बार ईना पर अटैक कर रहा था। अब अपने पेरेंट्स के इस डेथ गेम वाले कांड में जीवोन का कितना हाथ था, ये तो सिर्फ जीवोन ही बता सकती है। मतलब ये राज भी उसी के साथ चला गया और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग में काफी सारे ट्विस्ट हैं, जिससे कई लोगों को इसकी एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग लगती है। आई होप कि मैंने इसकी पूरी एंडिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप उसे कॉमेंट में जरूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।